एक बार हालात देख लो, आसपास खड़े होने की जगह नहीं हो रही है बिकॉज ब्रांड न्यू क्रेटा लॉन्च हो गई है और हर कोई झांक झांक के देख रहा है कि गाड़ी है कैसी। पूरे उंगलियों के निशान लग चुके हैं गाड़ी पे, बट एक्चुअली द कार इज वेरी वेरी प्रिटी टू लुक एट। दिस इज द ब्लैक कलर दैट यू आर गेटिंग टू सी इन द ऑल न्यू क्रेटा। ये क्रेटा 2020, आई थिंक 5 साल में पहली बार एक प्रॉपर अपग्रेड देखने को मिल रहा है इन द क्रेटा, विच हैज बीन सच अ ह्यूज सक्सेस इन द इंडियन मार्केट। अभी इंटीरियर ज्यादा इन्होंने शोकेस नहीं करे हैं, मोस्टली एक्सटीरियर से आई विल बी एबल टू टेल यू मोर अबाउट द कार। सबसे पहले तो आप इसके ग्रिल पे नजर मारो एंड जो इसकी हेडलाइट्स हैं उन पे नजर मारो। देर इज अ मेजर चेंज इन द हेडलाइट्स, बूमरैंग शेप आपको मिल रही है। देर इज अ ब्रेक इन, देर इज नॉट अ कंटिन्यूस बिग सॉर्ट ऑफ अ हेडलैम्प दैट यू गेटिंग टू सी। एलईडी डीआरएल्स हैं, एलईडी लाइट है, बट दे गेटिंग अ वेरी वेरी कूल सॉर्ट ऑफ अ बूमरैंग शेप टू इट। एंड सेम वे आपको पीछे भी वही देखने को मिलने वाला है। द कार इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम फॉर्म फैक्टर एज दैट ऑफ द एम जी हेक्टर सेल्टॉस, वो वाला फॉर्म फैक्टर ही है। पुरानी वाली क्रेटा से ये मतलब इट्स गोइंग टू लुक लीप्स एंड बाउंड्स मोर एडवांस्ड देन द अर्लियर क्रेटा। अभी इसको अगर आप थोड़ा सा अंदर से भी देखोगे, ट्राई कर सकते हो दिखाने का। द कार इज प्रीटी स्पेशियस एज यू कैन मेक आउट, पहली वाली क्रेटा भी जितनी थी, आई थिंक इज ऑलमोस्ट ऑफरिंग द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस। एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर गेटिंग सम मेजर अपग्रेड्स एज फार एज द लुक्स आर कंसर्न। इन्होंने यहाँ पे साइड व्यूज जो हैं, ओ आर वी एम्स जो हैं, उनमें पडल लैंप्स दिए हुए हैं, तो जब आप गाड़ी को ऑन करोगे नीचे इसके लैंप है जिससे आपके लिए एटलीस्ट अगर आप कहीं पे पडल या कोई चीज़ आ रही है तो आपको वो दिख जाएगी। मेरे आसपास लोग ऐसे ही खड़े हो आपको दिखेंगे बिकॉज कोई गाड़ी को छोड़ भी नहीं रहा है, 2 सेकंड के लिए कोई नहीं छोड़ रहा है गाड़ी को, बिकॉज हर कोई देखना चाहता है कि नई क्रेटा कैसे लगने वाली है। आप ये देखो लेफ्ट में लोग झांक झांक के देख रहे हैं। यू आर गेटिंग अ टच स्क्रीन पैनल इनसाइड और इसके साथ आपको ऑफकोर्स इसमें वेरियंट्स मिलने वाले हैं। एज फार एज द इंजन आर कंसर्न, इसमें आपको 1.5 लीटर पेट्रोल एंड डीजल वेरियंट मिल रहा है एंड उसमें आपको 115 PS पावर मिलेगी एंड 250 NM ऑफ पीक टॉक। दैट इज़ वॉट बेसिकली द कार इज ऑफरिंग। इसमें आपको इसी के साथ रूफ रेल्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यू गेटिंग दैट स्पोर्टी लुक इन दिस वेरियंट और पीछे भी एक स्पोर्टी आपको स्पॉयलर देखने को मिल रहा है। एंटेना लाइन्स ऑफकोर्स। अब टेल लाइट्स पे जरूर नजर मारना बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेयर द कार आउटशाइंस फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अदर कॉम्पिटिशन। लुक्स वाइज काफी फ्यूचरिस्टिक है। यू आर अगेन गेटिंग दैट सॉर्ट ऑफ अ ब्रोकन बूमरैंग शेप दैट इज देयर। वो गाड़ी को साफ करने के लिए ह्युंडई ने किसी को बुलाया है। आई एम हैप्पी समवन इज क्लीनिंग द कार बिकॉज द कार इज वेरी प्रिटी टू लुक एट। एक बार आप रेयर व्यू जो है इसका एंड जो टेल लैम्प्स है उन्हीं पर ही नजर मारो, इट लुक्स प्रिटी प्रिटी स्पैंकी। मतलब मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर ये गाड़ी आपके सामने से जाए तो आप 2 बार मोड़ के जरूर देखोगे कौन सी गाड़ी थी। बट दिस इज़ वॉट द न्यू क्रेटा लुक्स लाइक। और इसकी जो कीमत है कही जा रही है 10 लाख के करीब से शुरू हो जाएगी। एक्चुअली दैट इज क्लेमिंग दैट इट विल बी लेस देन 10 लाख वहाँ शुरू हो जाएगी एंड इट गो अप टिल अबाउट 17 लाख। जो टॉप डीजल वेरियंट होगा आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट कॉस्टली एंड दिस इज वॉट इट इज लुकिंग लाइक। सो दिस इज वॉट द क्रेटा इज लुकिंग लाइक। जितने भी हमारे और जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे हर कोई यही कह रहा है कि गाड़ी का सत्यानाश कर दिया लोगों ने झांक झांक के इसके अंदर, बट आई थिंक इट इज गेटिंग क्लीन। कार लुक्स फैंटास्टिक लुक्स वाइज एटलीस्ट एंड इफ यू आर गोइंग बाय व्हाट द अर्लियर क्रेटा हैज प्रूव्ड, आई थिंक ये वाली भी काफ़ी सक्सेसफुल होने वाली है इंडियन मार्केट में। इसमें आपको 3 वेरियंट्स तो देखने को मिल ही रहे हैं। एक 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल वेरियंट भी होगा विच विल टर्न आउट 140 PS ऑफ पावर। फिलहाल क्रेटा के लिए इतना ही। वील टेल यू मोर अबाउट द कार इन ड्यू टाइम।